मैं उत्तर प्रदेश गया, मुख्तार अंसारी के घर को गया, तो उसके बाद से सोशल मीडिया पर ये तमाम के तमाम बांकड़े पहलवान शुरू हो गए, तेरे को मार देंगे, पूरे के पूरे मार देंगे। अरे तू मारना चाहे मार ले, मेरा वक्त नहीं है तो नहीं मारूंगा, वक्त है तो बराबर मारूंगा। तुम मिजाजों में एक तब्दीली पैदा करो, मिजाजों में तब्दीली पैदा करो, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जितना वक्त हम इस दुनिया में लिखा कर लाए उतना वक्त हमको मिलेगा, और जब वक्त खत्म हो गया तो जाना है, कोई नहीं रहने वाला है। यहां पर बड़े बड़े बादशाह चले गए, उनके महलात खंडेर हो गए, कोई जानता भी नहीं उनकी खबर कहां है। बड़े बड़े जालिम आए, फना हो गए, दुनिया में बड़ा जुल्म किए, मगर जाना पड़ा दुनिया से, मगर डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश गया, मुख्तार अंसारी के घर को गया, तो उसके बाद से सोशल मीडिया पर ये तमाम के तमाम बांकड़े पहलवान शुरू हो गए, तेरे को मार देंगे, पूरे के पूरे। अरे भाई, मैं अखलाक के घर को भी गया था, मैं जुनेद और नसीर के घर को भी गया था जिनको जिंदा जला दिया गया घाटमीका के। मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूं जो मुझे धमकियां दे रहे हैं, एक बात याद रखो, मैं जिस दीन पर चलता हूं ना, मैं उनसे मुखातिब हूं, मैं जिस दीन पर चलता हूं ना, मेरे को ये दीन ऐसा चमन में चल के नहीं मिला, मेरे को ये दीन मेरे को बादशाह के महलों से नहीं मिला, मेरे को ये दीन मुझे नरम नरम कालीन से चलकर नहीं मिला, मेरे को ये दीन मुझे मिला तो बद्र और हुनैन से मिला, ये दीन मुझे मिला तो अहद से मिला, ये दीन अगर मुझे मिला तो करबला से मिला। इस दीन की बुनियादों में अब्बास अलमबरदार का खून है। जालिमों, तुम मुझे जानते नहीं, तुम मेरे दीन को नहीं जानते। मार देंगे, रे तू मारना चाहे मार ले, मेरा वक्त नहीं है तो नहीं मारूंगा, वक्त है तो बराबर मारूंगा। तुम क्या मार देंगे, मार देंगे। अरे जालिमों, कुरान में अल्लाह लिख रहा है कुल्लु नफ्सु जायकतुल मौत, और मैं इन शैतानी ताकतों से कह रहा हूं जो बोले मार देंगे, एक बात याद रखो, मैं कोई मुर्गी का बच्चा नहीं हूं, एक बात याद रखो, मुर्गी का बच्चा नहीं हूं। बात के हालात तुम जानो, फिर मैं इतना आसानी से जाने वाला नहीं हूं, पीठ नहीं दिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। तुम क्या, तुम्हारे बाप भी आ जाएंगे तो सामने ठहरूंगा मैं इंशाअल्लाह ताला। मगर याद रखो, मोमिन फना नहीं होता, मोमिन फना नहीं होता। अब कैसे नहीं होता, मौत क्या है, जिंदगी और मौत एक हकीकत है ना, जिंदगी और मौत के दरमियान में खिजाब है। तो एक घर से दूसरे घर को जाएंगे आप, तो फना कैसे हुए, एक घर से दूसरे घर को जा रहे आप और हम, तो फना कहां से हुए। तुम फना हो जाओगे, हम फना नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम्हारी नस्लें फना हो जाएंगी, हम फना नहीं होंगे। हम एक घर से दूसरे घर को मुंतकिल होते। मुस्तदराक एक हदीस की मशहूर किताब है, उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह ताला ने कहते हैं कि आखरत की जिंदगी की तैयारी करो, मोमिन फना नहीं होता, वो एक घर से दूसरे घर को जाता, एक घर से दूसरे घर को जाता है। तो मौत, मौत से डरना नहीं है, मगर डरना इस बात से कि मौत के बाद क्या होगा, जब खबर में जाएंगे, जब हिसाब किताब होगा, जब पूछा जाएगा, जब तुमसे और हमसे पूछा जाएगा, और इंशाअल्लाह ताला जब हमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक दिखा जाएगा तो हम पुकार कर कहेंगे ये मेरे आका हैं इंशाअल्लाह, मैं इनका उम्मती हूं, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम एक घर से दूसरे घर को मुंतकिल होते। मारना है मारो, क्या करना है करो, तुम जहर दे के मारे उन्हें शहीद हो गए, तुम जहर दे के मारे उन्हें शहीद हो गए, तुम दो फीट के से गोली मारे वो शहीद हो गए,
और शहीद तो कुरान में अल्लाह बोला इनको मुर्दा मत कहो, तुम जब मरोगे तुम मुर्दा रहोगे इंशाल्लाह, तुम जब मरोगे तुम मुर्दा होगे। मैं मुर्दा नहीं रहूंगा, मैं मोमिन हूं, घर तब्दील करूंगा। किसी एक शायर ने एक अच्छा शेर कहा था, मेरी जिंदगी का मकसद तेरी दीन की सरफराजी, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। मेरी जिंदगी का मकसद तेरी दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। किसी एक आशिक रसूल ने बड़ा अच्छा कहा मौत खबर के बारे में, कफन के बारे में। अब मैं इन जालिमों से कह रहा हूं कि पसे मुर्दन फरिश्तों ने जो तलाशी ली तो भला क्या निकला, पसे मुर्दन फरिश्तों ने जो तलाशी ली तो क्या निकला, फक्त एक दिल के गोशे से ख्याल मुस्तफा निकला। पसे मुर्दन फरिश्तों ने जो तलाशी ली तो भला क्या निकला, फक्त एक दिल के गोशे से ख्याल मुस्तफा निकला। यही होगा मेरे से भी इंशाल्लाह, हम तमाम से ही होगा इंशाल्लाह। पसे मुर्दन फरिश्तों ने तलाशी ली तो क्या निकला, फकत एक दिल के हिस्से से ख्याल मुस्तफा निकला। मेरे भाई ये हमारी पहचान है, और ये जालिम जानते नहीं, ये मुर्दा लोग हैं, ये जानते नहीं। एक सहाबी रसूल थे अबू सईद खुसैमा रजी अल्लाह ताला अन्हु, ज़ईफ हैं, बेटा बदर में शहीद हो गया, अहद की जंग है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाकर अस्के थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे लिए दुआ करिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं क्या दुआ करना चाहिए, तो बोले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करिए कि मैं अहद के जिहाद में शरीक हो सकूं और मुझे अल्लाह शहादत दे दे। और बोलते हैं कि जब जंगे बदर हो रही थी तो मेरे और बेटे में यह बहस हुई कि मैं जाऊंगा, तो हम दोनों ने ड्रॉ किया, खुरा किया, बेटे का नाम उठा, बेटा शहीद हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और कहते हैं ज़ईफ बाप कहता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने रात में अपने बेटे को ख्वाब में देखा जन्नत में, और कह रहा अब्बा जान जल्दी आओ मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। अरे जालिमों, हमको इस्लाम ऐसे मिला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए दुआ करते हैं, वो शहीद हो जाते हैं। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु अहद की जंग में एक और वाकया कि एक सहाबी रसूल आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी सूरत अच्छी नहीं है, मेरे वजूद से थोड़ा बदबू आती, क्या अगर मैं कल शहीद हो जाऊं तो अल्लाह क्या देगा मुझे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर तू जिहाद में शहीद होगा तो अल्लाह तुझे जन्नत देगा, तू शहादत के आला मुकाम पर पहुंचेगा। वो जंग में हिस्सा लेते, शहीद हो जाते, जब उनकी लाश को देखते हैं तो चेहरा नूरानी हो जाता, जिस्म से खुशबू आती है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत की हूरें इसके इस्तकबाल के लिए खड़ी हुई हैं। तुम हमको मारते मारो प्यारे, कौन रोक रहा तुमको, मेरी जिंदगी अल्लाह लिख दिया है जब मैं अपनी मां के पेट में था, मेरी जिल्लत, मेरी इज्जत, मेरी रिज़्क़, सब चीज अल्लाह लिख चुका है, तुम क्या लोगे मुझसे। अरे याद रखो, दुनिया में रहेंगे तो गाजियों की तरह रहेंगे, या फिर मौत आएगी तो शहादत को पसंद करेंगे, और हशर के मैदान अपने मां बाप को शर्मिंदा होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम सदबन गुजारिश है कि इस माह मुबारक में आप कसरत से अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह सुबहाना व तआला हम तमाम की अल्लाह मगफरत फरमा दे।